हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के नाश्ते की रेसिपी है कच्चे आलू की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने दो कच्चे आलू लिए हैं और उनको छीलकर इस तरीके से काट लिया है। तो काटने का हमें बस छोटे छोटे क्यूब्स में हमें इसे काट लेना है और बराबर काटना है। तो इस तरीके से हमने दोनों आलूओं को यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में इस आलू को हमें ऐड कर लेना है। तो अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल लें, या तो बिना पानी के भी इसे पीस सकते हैं। तो हमें यहाँ बिना पानी के ही इसे पीस कर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये पीस के तैयार है। तो बस अब इसे हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसे बाउल में ऐड कर लेंगे। तो बाउल में डालकर बस थोड़ा सा मिक्सर में मैंने थोड़ा पानी डाल के भी इसे निकाल लिया था। तो बस अब यहाँ पर हमें एक प्याज को लेना है बारीक कट करके, उसे डालना है। एक टमाटर लेना है बारीक कट करके, उसे भी डालेंगे। एक शिमला मिर्च को लिया है बारीक कट करके, इसे भी इसमें डालेंगे। अब कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मसालों में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद डलेगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल। अब इसमें हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे और उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी हम बेसन डालेंगे। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को डालकर बस जो हमने मसाले डाले हैं, आलू का बैटर बनाया है, उनके साथ इन्हें मिक्स कर लेना है। तो आलू में जितना मॉइस्चर है पहले उसी के साथ हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसा हमें पानी लगेगा उस तरीके से पानी हमें डाल के इसे मिक्स करना है। तो क्योंकि हमें गाढ़ा बैटर बनाना है तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और उसे बिल्कुल भी पतला नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इस तरीके से गाढ़ा बैटर हमने बना लिया है। तो अब इसे रखेंगे हम ढककर रखेंगे रेस्ट पे और इसके लिए हम एक स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तवा गर्म कर लिया है। इस पर थोड़े से हमने मूँगफली के दाने लिए हैं तो इन्हें भून कर तैयार पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर मूँगफली के दानों को अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनना है। तो अच्छी तरीके से लाल जब तक हो जाएंगे तब तक हम इन्हें भून लेंगे। तो इस तरीके से भून लिया है मैंने इन्हें। तो अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और इसी तवे पर हम थोड़ा सा हमने जो बचा हुआ मेरा प्याज था कट करे हुए में से उसी को ले लिया है तो उसे डालेंगे और इसके साथ डालेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा टमाटर। तो इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। तो इसे चलाते हुए बस 1 से 2 मिनट भून लेंगे और इसके बाद इसमें 2 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे इस तरीके से। और अब डालेंगे हम इसमें खड़ी लाल मिर्च। तो 1 ही लाल मिर्च यानी यहाँ पर यूज़ की है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं और इसे चला लेंगे। तो बस इस तरीके से 2 मिनट के लिए इसे भी चलाएंगे और बस इसे हम निकाल लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो अब एक मिक्सर जार लेंगे हम और इसमें डालेंगे और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे खड़ा नारियल। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है इसे और इसे ऐड करेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी हम इसमें डालेंगे और अब इसे पीस कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पीस के हमने तैयार कर लिया है इसे और बस अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इसे कटोरी में निकालने के बाद अब इसे एक स्वादिष्ट तड़का लगाना है। तो यहाँ पर तड़के में हमने तेल गर्म कर लिया है। तेल में राई, जीरा और कुछ कड़ी पत्ते और साथ ही 1 खड़ी मिर्च को काट कर डाला है। तो इतने चीज़ों को डालकर बस हमारा जो होता है तड़का तैयार हो जाता है बस। और इसे डाल लिया है हमने और ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी हमारी बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं हमारे बैटर की ओर। तो बैटर को देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अब बैटर हमारा। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर एडजस्ट कर लेंगे इसे और इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसकी देखिए इस तरीके से हो चुका है। बस अब यहाँ पर पैन या तवा गर्म कर लें और इसमें 2 चम्मच तेल को डालकर फैला लिया है हमने और इसे चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे हम। और बस अब यहाँ पर बैटर लेंगे और कलछी से डालते हुए इसे फैलाएंगे। तो बस 2 मिनट के लिए इस तरीके से फैलाएंगे तो अच्छी तरीके से फैल जाएगा ये। और जैसे ही एक तरीके से सिक जाएगा उसे पलट लेना है हमें और पलट कर बस
इसे दूसरी ओर से भी सेकने के लिए चारों तरफ इक्वल सिक जाए इस तरीके से हम थोड़ा सा तवे को घुमा लेंगे और इस तरीके से सेक लेंगे। तो बस जैसे ही दूसरी तरीके से सिक जाएगा इसे पलट लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से करा करा रहा सीक चुका है। तो बस इसी तरीके से हमें एक से दो बार अलट पलट कर सेक लेना है और जैसे ही ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी सा लगने लगे ऊपर से तो बस इसे निकाल लेना है। तो बस ये निकाल लिया है हमने और इसी तरीके से दूसरा भी फ्रेंड्स हमने सेक लिया है। तो कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बहुत ही कम मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसके साथ ही जो हमने स्वादिष्ट चटनी बनाई है उससे भी बहुत ही इसका नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है उसके साथ। तो अगर आपको मॉर्निंग में ये नाश्ता बनाना हो तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए। तो चलिए इस रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही आने वाली रेसिपियों के लिए नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बेल भी दबा देना।